गुड मॉर्निंग, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में यूज ऑफ ही शी एंड इट का और जेंडर का मैं रिवीजन कराऊंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग ही शी एंड इट का यूज़ कहाँ करते हैं। किसी भी मेल पर्सन के लिए ही आता है, जैसे आपके पापा, दादा, नाना, भाई, अंकल, ये सब में हम लोग, या बॉयज़ के कोई भी बॉयज़ या बॉयज़ के नेम में हम लोग ही का यूज़ करते हैं। और शी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी फीमेल पर्सन के लिए शी आता है, जैसे आपकी मम्मा, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी बहन, या फिर कोई भी गर्ल या कोई भी गर्ल के नेम में हम लोग शी का यूज़ करते हैं। और इट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इट का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेस एंड थिंग्स में। एनिमल्स मतलब जानवर, बर्ड्स मतलब पक्षियों के नाम में, पक्षियों के नाम में, प्लेस मतलब जगह, और थिंग मतलब आपको कोई भी सामान। तो अब यहाँ देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अब यहाँ देखिए नंबर वन में क्या है, आर आई टी ए, रीता। रीता गर्ल का नेम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शी, एस एच ई शी। अब देखिए नंबर टू आपका है बी ओ वाई, बॉय। बॉय लड़का है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ही, एच ई ही। नंबर थ्री है आपका एच ई एन, हेन। हेन बर्ड है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आई टी इट, आई टी इट। अब देखिए नंबर फोर आपका है सी ओ डब्ल्यू, काउ। काउ एनिमल है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इट, आई टी इट। नंबर फाइव आपका है एम ओ एम, मॉम। मॉम गर्ल होती हैं, तो लेडी होती हैं, तो उनमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शी। क्या यूज़ करेंगे, शी, एस एच ई शी। नंबर सिक्स है आपका के आई एन जी, किंग। किंग राजा, राजा बॉय, किंग बॉय होते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ही, एच ई ही। तो ये है आपको यूज़ ऑफ ही शी इट। अब देखिए यहाँ है आपका जेंडर। जेंडर भी मैंने बहुत बार आपको बताया है, तो जेंडर यहाँ आपको लिखना है, जेंडर मतलब हिंदी उसका होता है लिंग। तो अब देखिए यहाँ नंबर वन में आपका, जैसे आप जेंडर में क्या होगा, बॉय का, गर्ल, तो यहाँ अब देखिए यहाँ क्या है, बुल। बुल का क्या हो जाएगा, जेंडर चेंज करेंगे, जेंडर बदलेंगे, तो हो जाएगा सी ओ डब्ल्यू, काउ। अब देखिए यहाँ नंबर टू है आपका डी ए डी, डैड। डैड पापा को बोलते हैं, तो डैड का जेंडर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉम, एम ओ एम, मॉम। बुल का काउ और काउ का बुल, डैड मॉम, मॉम डैड। नंबर थ्री है आपका के आई एन जी, किंग। किंग का जेंडर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वीन, क्यू यू ई एन, क्वीन। किंग क्वीन, क्वीन किंग। अब देखिए नंबर फोर है आपका बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर। ब्रदर का जेंडर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टर, एस आई एस टी ई आर, सिस्टर। और सिस्टर का जेंडर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रदर। ठीक है, तो ये है आपको जेंडर। तो यहाँ पर मैंने तो आपको फोर ही दिया है, लेकिन ऐसे मैंने आपको 10 कराया है, तो आप लोग को 10 लर्न करना है, ये नहीं कि इतना ही से आएगा आपका। तो आप लोग अभी क्या कीजिएगा, अपने इंग्लिश की कॉपी में ये यूज ऑफ ही शी एंड इट और यहाँ जेंडर, ये जो मैंने अभी दिया है, आप लोग अपने इंग्लिश की कॉपी में राइट कीजिए एंड लर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू।